दिख लिया। अगर हमारे पास डी वी एन वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, एन वस्तुएं हैं, ठीक है, एन वस्तुओं में से एक बार में ये कर्मचारी बात चल रही है, एक बार में आर वस्तुएं लेकर जो बने कर्मचारी होंगे इसके इक्वल होंगे, बने कर्मचारी ये इक्वल होंगे, जैसे आर स्थानों को एन वस्तुओं से चीज बहुत गहरी चीज है समझ। अगर एन वस्तु हमारी दी गई है और एक बार में हमें आर वस्तु लेकर कर्मचय बनाना है, तो उन कर्मचों की संख्या इतनी होती है जितनी आर स्थानों को एन वस्तुओं से भरना हो। मान लिया हमारे पास एक सेट ए बी सी तीन वस्तुएं हैं, ठीक, इसमें से दो दो वस्तुएं लेकर हमें कर्मचय बनाते, क्या बने थे, हमने बनाए थे ए बी बी सी सी ए बी ए सी बी, छह क्रम के बने। वो ये इसको क्या कह रहा कि आर स्थान, इतने स्थान मान लिया, दो दो स्थानों को एन वस्तुओं से भरना, तो इस पहले स्थान पे इन तीन वस्तुओं में से कितनी आ सकती है, तीनों आ सकती है, दूसरे स्थान पर कितनी वस्तुएं आ सकती है, लेकिन कर्मचय में रिपीट थोड़ी हो जाएगी, कर्मचय में तो रिपीट नहीं होने के, उसके लिए दो होगी, ठीक है। अब यहाँ समझने हैं, इस स्थान को भरने की जगह तीन है, इसको भरने की दो है, जबकि जब हम दो दो लेकर ही बना रहे हैं, यानी कि ये दोनों काम कैसे साथ साथ होने हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से कर्मचय कितना है, छः, यहाँ से भी छः, दोनों इक्वल, ये बात इसलिए, ठीक है, समझो। अब हमारे पास आर स्थान है, मैं बिल्कुल अब इसे भरने की जगह कितनी है, इसे हम कितनी वस्तुओं से भर सकते हैं, एन वस्तुओं में से कोई भी ले सकते हैं, इसको 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 n माइनस कैरेक्टर, यही खेल छिपा था, n माइनस देख लो एक बार चेक करो, क्योंकि यही चीज समझनी सबसे बड़ी चीज है, ये आपके बाइनोमियल थ्योरम और चीजों का काम है, ये चीज पकड़ने, यहाँ एक्चुअली लिखना क्या है बताइए, एन माइनस आर ही आएगा कुछ आएगा, देखो साफ ऐसे लिखना, ये फर्स्ट क्रम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये है डॉट डॉट करके, ये आर टर्म हमने बताई थी, पहले टर्म में जीरो, दूसरी में वन, एक कम हो रहा, तो आर में क्या होगा, आर माइनस वन, इसे ब्रैकेट में बंद करो या ना करो, ऐसे क्या आप सही है, ये
सही है ना। ठीक है। अब एन वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तुएं लेकर बने क्रमचों की संख्या आर स्थानों को एन वस्तुओं से भरना है, भर दिया हमने। अब जो ये क्रमचे बनेंगे उनकी जो संख्या आएगी वो शायद यही आएगी ना, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन, या नहीं है? क्लियर है? फिर मल्टीप्लीकेशन कर ली भाई, दो स्थान पे दोनों गुणा होगी थी, दो दो वस्तु लेकर, लेकिन जब आर वस्तु लेकर बना रहे हैं चार स्थानों को भर रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएगी इनकी गुणा, क्योंकि कंसिडर हम सारा इकट्ठा करेंगे। क्लियर यहाँ पे? अब एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, कर सकता हूँ ना अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखो टर्म एक कम होगी ना, एन एक कम, दो कम, एक कम करते हुए इसमें से एक कम क्या आएगा, एन माइनस आर। अगला कम करेंगे तो क्या होगा, एन माइनस आर माइनस वन, तो डॉट डॉट तक फैक्टोरियल, अगर इसका फैक्टोरियल हटा दूँ तो डॉट डॉट वो करके ये कहाँ तक जाएगा, थ्री डॉट टू इंटू वन तक जाएगा, नहीं तो मान लिया अगर मैं कहीं लिखूँ थ्री फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, थ्री इंटू टू इंटू वन, अगर मैं एक्स फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स डॉट डॉट करके थ्री टू लास्ट माने से यही बनी। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन को डॉट डॉट करके थ्री टू वन तक चले जाते हैं, तो ये भी एन माइनस आर लास्ट में जाएगा कहाँ तक, थ्री टू वन, ये आ गया। अब ये एन में से जीरो कम, वन कम, टू, इस तरह डॉट डॉट होते कहाँ तक आएगा, ये वन। तो क्या इसकी वैल्यू ये है नहीं? होगी। और इसकी वैल्यू ठीक है, यही रहेगा ना जुगा तू। ये जो संख्या आई उसी को हम एन पी आर कहते हैं, क्या कह देते हैं, एन वस्तुओं में से आर वस्तु एक बार लेकर बने जो क्रम की संख्या होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये एक तरह से इसका डेरिवेशन या प्रूफ है, ये फार्मूला ही एक्चुअल में आया। ओके, लिखना हो बताओ, नहीं तो
कि जो फैक्टोरियल एन है, वैल्यू आपको पता ही है, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, डॉट डॉट डॉट, बी टू वन तक तो होती है, क्लियर है। अब यदि हम एक फार्मूला लगा लें, एन पी आर है, उसमें क्या होता है, फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हम एन को रिप्लेस कर दें, एन आर रिप्लेस बाई एन, यानी कि आर की जगह हम क्या रखते हैं, एन, तो एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन, एन माइनस फैक्टोरियल एन अपॉन जीरो फैक्टोरियल। अच्छा, एक हमने निकाला था जी, हमारे पास कंडीशन यह आई थी, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट करके एन माइनस आर प्लस वन आया था ना अभी पीछे ही, ठीक हाँ है। एक्चुअल में इसी को ही एन पी आर कहते हैं, तो मैंने इसका फार्मूला बनाया था बाद में। ये हमारा क्या है, एन पी आर है, ठीक है। अगर इसमें हम आर की जगह क्या रखते हैं, एन, तो एन पी एन इक्वल टू क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, एन माइनस एन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि एन वन तक गया, यानी कि फैक्टोरियल है। कहने का मतलब ये है, जो एन पी एन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल है, ठीक है। एक तो ये आपको, अब इस फार्मूले में जो हमने ये यहाँ पे आ गया, ये तो मैंने अलग से समझाया आपको इतना तक। इसके बाद हमें करना क्या है, कि हमारे पास आया एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं इसको, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, इससे एक एन से दो कितना आएगा, इसकी जो है जो जीरो फैक्टोरियल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ जगह आएगा आपको, तो उससे आप निकाल सकते। एक कंसेप्ट पॉसिबल उसी के साथ में होती है, जैसे हम पहले से भी
अब यहाँ पे यदि हम हेलीकॉप्टर एन बराबर जीरो, क्या होगा? जीरो टी आर इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। जीरो टी आर क्या होगा? अगर हम जीरो पी आर की बात देखते हैं, हमने एन पी आर किसको लिखा था? एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन को लिखा था ना हमने, ठीक है? तेरा समझ लो, आप इसे भी बदले कोई अलग से है, ये है एन पी आर इक्वल टू, है ना? तो जीरो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो इंटू माइनस वन माइनस टू डॉट डॉट जीरो माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। ये वाली टर्म अगर यहाँ रखूँ मैं तो जीरो माइनस वन माइनस टू डॉट डॉट जीरो माइनस आर प्लस वन इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन और माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो इससे आएगा वन माइनस आर फैक्टोरियल, डायरेक्ट इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ी ही एकदम पेचीदी चीज लग रही है कि एन की जगह जीरो कर दी। एन पी आर में अगर एन की जगह हम जीरो से रिप्लेस करते हैं तो इस तो हमारा क्या बनता है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है, सेव करो। टू एन पी एम इक्वल टू टू की पावर एन वन थ्री फाइव डॉट 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 टू एन माइनस वन टू एन पी एम।
देखो करके, देखो जरा करके। वाली इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है? क्या करें, इसमें सीधा पहले तो फॉर्मूला लगा दो, क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल 2n, इस तरह समझ लो, और ये 2n माइनस फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल अपॉन n। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि हम इससे n को ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो 2n के टर्म में है। आगे 2n को हम लिख सकते हैं 2n इनटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, और फैक्टोरियल कोई भी हो लास्ट में कहाँ तक जाएगा? जाएगा उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसमें से जो ओड टर्म है अलग ले लें, इवन टर्म अलग ले, यानी कि एक पेयर भी बना सकते हैं 2n, 2n माइनस 2n माइनस 4 डॉट डॉट 2, एक सेट भी बन गया। दूसरा सेट बनाएंगे हम 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 डॉट डॉट 2 3 और 1, ठीक है? अपॉन यही एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट, ठीक है? अब एक चीज यहाँ सोचने की सबसे बढ़िया है, अब यहाँ से हम ये 2 से चला और 2n तक है, अगर इसकी हर टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया, एक दूसरा 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ टोटल 2 की पावर कितनी चढ़ेगी? कितनी चढ़ेगी? क्यों है? एन कहाँ है? तो यहाँ तक वो तक रुकेगी ना, इसमें 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 यहाँ तक कितने टर्म है? एन टर्म है, ठीक है? तो 2 की पावर ये तो आ गया n, यहाँ से क्या बचेगा? इसमें से लिया ना कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से n माइनस 1, इसमें से क्या बचेगा? n माइनस 2, यहाँ से क्या बचेगा? 1 बचाना इसमें से, बचेगा क्या? 2 की पावर n, इसी फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें 1 2 नहीं
ये तो 1 3 5 तक जाएगा, तो 1 3 1 3 समझ में आ रहा है? 1 3 डॉट डॉट 12 माइनस प्रूव हुआ देखो, यहाँ से तो बेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट आप जाके नहीं माता मार सकते, IIT के साथ जाके साइड पे मैं क्वेश्चन उठाया था अपना उलझ बैठे, उससे कोई बेनिफिट नहीं। इसी के साथ एक सिंपल क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थोड़ी ट्राई करो, नहीं तो बताऊंगा क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे। आप यदि NP6 इक्वल 30 इंटू NP4, ठीक है, तो n की वैल्यू बता दो। ये क्वेश्चन देख रहे, NP6 बराबर 30 गुना NP4, यहाँ 4 है, तो n की वैल्यू बता दो। ये क्वेश्चन करता पहले से नोट करो, फिर क्वेश्चन करते पड़ेगा। करना जरा वो
गलती क्या की है बाप ने? कोशिश ये करना आगे, अगर कहीं भी गलती पकड़ी जाती है ना, कोशिश ये करो कि वो गलती मेरे से दोबारा ना हो। फैक्टोरियल में ही गलती की है तो क्या गलती की वो देखो। आप हमने बताया कि MP6 इक्वल टू 3 × n^4 है, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 फैक्टोरियल n n माइनस 4। ये आ गया आपके हिसाब से कर दूंगा, चलो इससे कैंसिल हो गया, ठीक, n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। आपने -1 किया, -1 कर दिया, फोर यहाँ का कैंसिल कर दिया। पहले तो मुझे बताओ फैक्टोरियल ये वाला बड़ा है या ये वाला? -4 बड़ा। और आपने इसमें से आकर -4 को बड़ा होना क्या था? देखो सबसे पहले n-4 लिखेंगे, अगले क्या आएगी n-5, क्योंकि माइनस चल रही है ना, और फिर उससे अगली n-, फैक्टोरियल यहाँ रोकती है इसको, और फिर n-6 फैक्टोरियल इक्वल टू 30, इससे कैंसिल, n-4 और n-5 इक्वल टू 30, ठीक है। मेरे हिसाब से फैक्टोरियल हो जाएगा 6 × 5 n बराबर 10। हाँ n बराबर 10, अगर इसके आप इसे फैक्टर करोगे ना तो इसमें एक तो n बराबर 10 आ रहा और एक n बराबर आ रहा -1। क्या ये आंसर हो सकता है? क्यों? बात तो बता दीजिए क्या दो ये बना n² - 5n - 4n = 30 = 0, ठीक है, n² - 9n - 10 = 0 गुणनखंड कैसे होंगे? n² - 10n + n - 10 = 0, n कॉमन ले लो, n-10 + 1 कॉमन, n-10 = 0, n-10 n + 1 = 0, n = 10 और n = क्या होगा -1। ये ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य या एक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि n क्या है, किसी भी वस्तु की या समथिंग की संख्या है ना, और किसी भी चीज की संख्या -1 होगी। करते हैं ना कि n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बने कर्मचारी की संख्या है, वही तो है, n वस्तुएं हैं भैया। तो यह हो सकता है कि वस्तु कोई भी नहीं है, 0 हो सकती है, लेकिन माइनस का तो कोई लॉजिक नहीं है ना, इसलिए n = -इज अग्राह्य, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम को फिर दो
क्वेश्चन है, दो मनुष्य एक रेल के डिब्बे में जिसमें 6 जगह खाली है घुसते हैं, बताओ वो कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं। ट्रेन है, एक उसका डब्बा है, उसमें उनको 6 सीट दिखती है जो खाली है। ठीक है, दो आदमी ये आए, ये आदमी उन पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। कैसे जगह तो 6 है और आदमी कितने हैं? 2। उसके सामने भी कितनी चॉइस है? आदमी के सामने कितनी चॉइस है? किसी की सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, एक आदमी पहले वाला, दूसरे आदमी के सामने कितने चॉइस है? कितने है दूसरे के सामने? 5। जब कभी स्थान भरने की बात आए तो वहाँ थोड़ा हम ये डिपेंड कर देते हैं कि चॉइस किसकी है, चॉइस किसके सामने है, किन आदमी के सामने। पहले आदमी के सामने कितनी चॉइस है? 6। दूसरे आदमी की जगह 5। ये हो गया, नहीं है तो आंख बंद करके 6P2 क्या आएगा? शब्द दिल्ली। देखें छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैं इसलिए करा रहा क्योंकि ये अपना आप में काफी टफ टॉपिक होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थोड़ा दिमाग में लेट जाओ, क्या होगा समझ में आ जाएगा 15 दिन बाद। फिर शब्द दिल्ली, DELHI, ये अक्षरों को क्रम में रखने से कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक क्यों हो, यानी कि इसमें जो शब्द हैं उनको हमें क्रम में रखना है, क्या में क्रम में रखना है। तो ये पूछ रहा कि कितने शब्द बनेंगे, कितने क्या बनेंगे वर्ड, कैसे अक्षरों को क्रम में रखने पर कितने शब्द बनेंगे, क्या बनेंगे शब्द बनेंगे, चाहे उनका कोई अर्थ ना हो, चाहे वह निरर्थक क्या हो, चाहे वह निरर्थक हो, बनेंगे बस। अब देखो टोटल वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, सुनो अक्षर उसने कहा कि अक्षरों को क्रम में रखने को, क्रम बदलने हमें कम ज्यादा तो नहीं कह रहा कि हमने 4 लेगा बनाने या 3 बनाए का सारे ही लेने, तो 5 अक्षर है DELHI, 5 ही जगह है, इसे भरने के कितने ऑप्शन है, इसे भरने के 4, क्योंकि रिपीट तो नहीं होना ना,
रिपीट कैसे करोगे? मान लिया आपने यहाँ सपोज करो ई रख दिया, तो ई थोड़ी यहाँ रखते हो, सिर्फ उनने क्या कहा क्रम ही तो बदलना, अक्षर तो नहीं बदल सकते, रिपीट तो नहीं कहा उनने कि पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति होती थी, यहाँ पांच आता है, यहाँ भी पांच आता है, यहाँ भी पांच, यहाँ पांच, तो पुनरावृत्ति नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या आ गया ये, यानी कि फाइव फैक्टोरियल 120 नहीं भी समझ में आ रहा, पांच क्या है लेटर है तो एन की वैल्यू पांच है और आर की वैल्यू भी कितनी है, पांच, पांच को लेके ही तो क्रम क्रमचे बनाने, कितना हो जाएगा 5p5 क्या है फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल क्या है, दोनों तरह से क्वेश्चन बता दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आप, वो अलग बात है IIT JEE में चाहे ना भी दे तरह का, लेकिन कंसेप्ट तो मिलेंगे। लिखना है गंगा स्नान के समय घाट पर 10 नावें थी, क्या थी, 10 बोट थी, बताओ कोई यात्री उस पार जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है जबकि उस नाव से नहीं लौटना है जिससे वह गया था। उसे एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, पर जाएगा उसे स्नान करना, 10 नाव है वहाँ पे, तो एक आदमी इधर से उधर स्नान करेगा जाएगा फिर वापस आना उसे, लेकिन जिस नाव से जाएगा उससे वापस नहीं आना, तो वो कुल कितने प्रकार से आ सकता है। कैलकुलेटर कोई नदी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये बोट है, ठीक, एक आदमी आया उसने यहाँ स्नान करना, यहाँ बैठ के कहाँ करना, तो यहाँ घाट में बैठकर स्नान करना, वो इस नाव से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, फिर उसके बाद अब ये घाट पर 10 नाव है, ये नहीं हाँ मान लो आप, चाहे इनको यहाँ मान लो, नहीं मान सकते भाई, एक बार बताइए 10 नाव है, वो ये तो आने के बाहर किनारे में खड़ी कर रखते हैं, वो तो यहाँ से सवारी मिली बिठाई इधर पहुंच के, इधर से मिली इधर आएगी, ये काम चलता रहता है, या बीच में अपना खाली यहीं से अपना 10 सामान खड़े रहते हैं, तो यहाँ से इधर दूसरे किनारे पर पहुंचने के कितने प्रकार हुए उसमें, 10, कंडीशन लगा दी कि जिस नाव से गया उससे वापस नहीं आने का, तो उधर से वापस आने के कितने तरीके होंगे, दस हो गए, ये नदी है, ठीक, एक आदमी यहाँ खड़ा, उसके सामने 10 नाव है, यहाँ से यहाँ जाने के उसके कितने तरीके हैं, उसको 10 है, उधर से वापस में कंडीशन ये है कि इन 10 नावों में से उस नाव से नहीं आया हुआ जिससे वो आया था, तो कितने ऑप्शन बचे उसके सामने,
यहाँ से सब वापस आने के कितने ऑप्शन हुए इसके सामने, 9 बच गए, क्योंकि एक तो छोड़नी पड़ेगी जिससे वो आया था, बाकी तो 9 ऑप्शन तो उसके सामने है। अब वो कह रहा कि क्या कहा उसने, बताओ कोई यात्री उस पार जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है, ये इस पार गया और वापिस लौट गया। देखिए जाने के प्रकार, ठीक, आने के प्रकार, ठीक है, और जाने और आने, या इसे शॉर्ट में कह लो जाकर वापिस आने, समझे तुमने बात, आने के प्रकार क्या हो जाएंगे, जाने के प्रकार गुणा आने के प्रकार। जाने के कितने हैं 10, आने के कितने हैं 9, टोटल कितने हैं, क्वेश्चन देखो ऐसा ही दे रखा। गंगा स्नान के समय घाट पर 10 नावें थी, बताओ कोई यात्री उसे पार जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है जबकि उस नाव से नहीं लौटना है जिससे वह गया। अभी तो भाई सेंस हमें खुद लगानी चाहिए। छुट्टी रहेगी सर, देखिए
संख्याएं दी हुई है, हम एक दो तीन चार पाँच इन 9 अंकों से 9 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो किसी संख्या। नौ नौ होनी है, 9 अंकों से 9 अंकों की कितनी बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति हो तब नहीं तो क्या आ रहा, मोटा मोटा बताओ। दो ऐसे लिख दूं, जगह है, संख्या कितनी है, स्थान को भरने के लिए कितने ऑप्शन है। जीरो नहीं आ सकता, समझ में आ गई, क्योंकि अगर जीरो आ गई तो 8 अंक भी रह जाएगी। ठीक है, तो ये है जीरो, इसे और बड़ा जीरो बनाया था, ये समझो आप, ये रेड लाइट क्या है, रेड लाइट है, जब भी जीरो आ जाए ना अपने कान खड़े कर दो, क्योंकि यही गलती करवा सके। और मैं तो चलो ये है कि आग बंद करके काम चल जाए, इसके लिए भी 9 जगह है और इसके लिए भी 9, इसके लिए 8 7 6 5 4 3 2। अगर इसे मैं 9 × 9 फैक्टोरियल भी लिखूँ तो थोड़ी गलत। ठीक है, यही 3 अंकों से मान लिया 5 अंकों की संख्या बनवा रहा और पुनरावृत्ति नहीं करता, पुनरावृत्ति नहीं है, तब क्या आंसर, पुनरावृत्ति बोली नहीं।
टेम्पू की थी। हजराबाद सुनो, होगा क्वेश्चन और है। क्या निन्यानवे और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों से बनाई जाती है। हो गया 99 और 1000 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों से बनाई जा सकती है।
लेकिन 99 के बाद जो पहली संख्या होगी बस वो है कि 1000 से पहले जो संख्या है वह क्या है? 999। इसमें भी तीन स्थान है, इसमें भी तीन स्थान, यानी कि टोटल हमें कितने स्थान मानने हैं? तीन स्थान। संख्याएं कितनी है? 2, 4, 6, 7। इसके लिए कितना ऑप्शन है? उसके लिए पांच। लेकिन ये तो बता कि सर कुल पुनरावृत्ति होगी ना, होगी तो अब इसने कहा ना 99 और 1000 के बीच की कितनी संख्या, देखो वो बताए या ना बताए वो डिपेंड करेगा आपके विकल्प। जब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ ऑप्शन पता लगता है। अगर ऑप्शन है ये 6 5 30, 7 21, 210, ये दूसरा आंसर क्या आ सकता है? नहीं। अब डिपेंड करेगा, अगर दोनों ऑप्शन है फिर तो क्वेश्चन ही, फिर तो आप आंसर ही सही करके आओगे। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं, ऑप्शन में एक ही तरीके से क्वेश्चन देगा, या तो ये देगा या ये, अगर नहीं दिया। ठीक है, बाकी का जो है फिर आपकी तरह।